आवाज बंद कर रहे हो दब रहे हो ये गल सही नहीं है। जे देखो कहते एक तूफान लगे भी बो आई आई आसी सब कुछ इसे तरह शांतमय करना वा तो साढ़े नाल साफ करो कोविड करो साडा असि सारे ही ढे नाले ताडे छोटे वीर है ताडे भरा है अभी कोई जद्दोजहद नहीं करना चाहते। इन्हां दे जोर लाउण दी बजाय अपने भरावां दे अंदर वी सी नूं सदो जिहड़ा वी जिहड़ी साडी इन्हां नाल गलबात करनी चाहुंदी आ सदो साडी इक्को मंग आ कि उस विद्यार्थी नूं बहाल करो उत्थे पाबंदियां जिहड़ियां लाईआं चुक्को। सति श्री अकाल जी, मेरा नाम विजय आ, मैं पीएचडी हाँ पोलीटिकल साइंस डिपार्टमेंट। की लोड़ पैगी जी गेट ते प्रदर्शन करन? मेरी इस करके असं इतने कट्ठे हैं किसान जथेबंद विद्यार्थी जथेबंदियों, मेरी कैंपस से जी एंट्री बैन कर दी गई है 11 सितंबर तो, ते मेरी पीएचडी जो फुल टाइम तो पार्ट टाइम से कन्वर्ट कर दी गई है। कारण यह सी भी 31 अगस्त में मेरे खिलाफ डिसिप्लिन कमेटी, मैं कोई डिसिप्लिन भंग किया जो तो कमेटी से मैं गया वह भी कोई प्रोसैस फॉलो नहीं आया मेरे खिलाफ, मैं ये नहीं पता कंप्लेट की है तो मैं वर्बली गल्ला की जी भी जरा लॉ डिपार्टमेंट की कुड़ी से हरप्रीत रिसर्च स्कॉलर तुम उसके नाल गए प्रोटेस्ट से गए थ तुम उस प्रोटेस्ट से नहीं जाना चाहिए। मैं उसनों ये जवाब था सानू गलत के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सिक्योरिटी गार्डा ने थप्पड़ मार के माफ़ी भी मंगी भी असी गलत किया वा, असी गलत किया वा, उन्होंने माफ़ी मंगी आ तो गलती भी मन चुके आ। तो दूसरी गल है भी लाइब्रेरी दी मंगा तुसी ना उठाओ, 70 लाइटा सी बंद पईआं सी वो मंग कीती भी उन्होंने चालू किया जाए तो पखे बंद पए आ 7 वो चालू किए जाण, तो रीडिंग हॉल का एक हिस्सा बंद पिया वा साल तो वो चालू किया जाए, तो जी सा लॉ डिपार्टमेंट की एस एफ एस की मैंबर है तानिया उन्होंने 10,000 रुपये फाइन किया गया वो वापस किया जाए। हाँ जी लैटर भी आई, हाँ जी हाँ जी, बार बार वार्निंग लैटर भेजी जा रही जो तुम प्रोटेस्ट जाओगे तो जे साडे नाल जे विद्यार्थी की गिनती घट है यो कारण है, बार बार लैटर भेजे आ उन्होंने डराया धमकाया जा रहा, टीचर वालों गाइड वालों जो फोन किया जा रहा, असं ये मांग करते साड़ी जरा तानाशाही फरमान वापस लिया जाए, जी सा दोस्त है तानिया एस एफ एस की मैंबर है फाइन माफ किया जाए। मैं जी पलविंदर सिंह किरती किसान जोड़ा पंजाब मजीठा सरगा प्रधान पलविंदर सिंह जेठू नंगल, अज जो बच्चों के उत्ते जिस तरह ने कार्रवाई करती है, एक विजय लड़का वा और वीसी ने जोड़ा बाहर कड़ता था, जिस तरह एक लड़की है उन्होंने 10,000 रुपए का फैन पाता वा, इन्ह बच्चों की हिमायत के आए हैं कि इन जे बच्चों बहर क्या गया उन्होंने रखा जाए तो सानू जरा इन बच्चों साथ दवाया जाए। असं भी हाले थोड़ी तादाद आए हैं संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल के उत्ते, जे इन्हें नहीं सू मंगा ज रखी दी तो अं संयुक्त किसान मोर्चे कॉल इन बच्चों साथ दवा के रखा, ये अं ना होंगे तो बच्चों के उत्ते लाठीचार्ज कर दता है, क्योंकि जो पुलिस का रवैया है पुलिस ने गुंडे जे गुंडे वाड़े आ जे प्राइवेट बंदे आगे बच्चों के गल पै रहे हैं लड़कियों के गल पै रहे लड़कियों थप्पड़ मार रहे हैं, इस करके जो अं किसान जथेबंदियां अगे आई वा तो फिर इन्हों थोड़ा पिछे मुड़ना पाया, नहीं तो इन्होंने अपने गुंडे सद के ही पुलिस का जोर घट लगता जे अंदर गुंडे है उन्होंने जोर ज्यादा लगन दिया है, ये करके अं प्रशासन असी हूँ चले गलबात उन्होंने सद्या सानू जे गलबात कोई हल निकल गया नहीं तो फिर पक्का मोर्चा लगेगा। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जेडे विजय जी ने साडे स्कॉलर पीएचडी स्कॉलर ने पॉलिटिकल साइंस दे उन्होंने इतों बैन कर दिया जाता वा प्रशासन के द्वारा, तो नाले उनकी जी पीएचडी है फुल टाइम तो पार्ट टाइम कर दी जाती है। सर कारण सिर्फ यह है कि आप इतने एक प्रोटेस्ट होया सी जिदे नाल कुड़ी नाल मिसबिहेव होया सी उदे नाल आपां खड़े सी, दूजा एक लाइब्रेरी दे असीं इशू चक रहे सी बार बार, आपां कई बार एप्लीकेशंस भी सर्कुलेट कीतियां लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, डीएसडब्ल्यू दे विच भी आपां एप्लीकेशन दित्ती सी लाइब्रेरी दे लई लेकिन इन्होंने उदे ते भी कोई भी एक्शन नहीं लिया, फिर आपां सारे इकट्ठे होके बच्चे सी तां वीसी ऑफिस दे बाहर पुज्जे, बस सर जे वीसी ऑफिस दे बाहर पुज्जे सी सिक्योरिटी गार्ड तो पहले ही सी है ना, उदे बाद इस करके विजय जी जेड़े ने उन्दे ते डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी जांदी आ जिदा पूरा प्रोसीजर फॉलो तक नहीं हुंदा, फिर उस प्रोसीजर दे बाद जेड़ा उन्दा रिजल्ट आंदा वा उदे विच लिखिया नोटिस आंदा उन्दो अपने डिपार्टमेंट दे वल्लों ओ जंदे डिपार्टमेंट उन्होंने लैटर मिलता उदे ते लिखिया कि तुहाडी पीएचडी है जेड़ी ओ आपां पार्ट टाइम करती आ फुल टाइम तो नाले तुहानूं बैन करता यूनिवर्सिटी तो, सर रीजन कुछ नहीं दस्सिया रीजन अंदर जिहड़ा डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी सी ते इन्हां नूं क्वेश्चन कीते सी इन्हां नूं कह रहे सी कि तुसी क्यों खड़दे हो तुसी क्यों हक्कां दी गल करदे हो आपां तुहाडी जिहड़ियां मंगां ने लाइब्रेरी दीआं आपां ओह कंप्लीट नहीं कर सकदे आपां ओह नहीं पूरियां कर सकदे तुसी ओह ना चक्को। लगदा कि जिहड़े स्टूडेंट यूनिवर्सिटी दी आवाज़ बुलंद करदे ने उन्हां दी आवाज़ दबाई जा रही उन्हां नूं धमकियां लगाईयां जा रहियां तां तिन्न लैटर आईयां जी। बिल्कुल सर जो भी इंदे खिलाफ बोलन दी कोशिश करदा या फिर स्टूडेंट नूं इकट्ठा करन दी कोशिश करदा उन्दे खिलाफ उन्हूं डराने लई इहो जे फरमान जारी करदे आ, कुछ बच्चे डर जांदे आ ते कुछ नहीं डरदे, जिहड़े नहीं डरदे उन्हां नूं देख लो जिन्हें बैन ही करता
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੂਗਾ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ